हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी। तो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो कार्ड्स मैं निकालती हूँ, देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं धीरे धीरे करके, और कार्ड्स जो है ना निकालते जाते हैं ताकि हमें जो है ना पता चल सके आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पूजा का टाइम है। और है ना, क्या है कि सारे लोग भरे हुए हैं घर में। सो आपका कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, टेक द लीड का कार्ड। ओके, सो अब जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इंतज़ार करने का टाइम है। ठीक है, अभी जो है ना टाइम, ये इंतज़ार करने का वक्त है। ये जो है अब इंतज़ार आप लोगों ने कर लिया है, अब जो है वक्त है, क्या वक्त है, अब एक्शन ले लो ताकि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है आगे बढ़े। ठीक, तो एक तरीके से एक्शन का भी कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच आड़े नहीं आएगा, क्योंकि अब जो है आप दोनों का जो कनेक्शन है ये जुड़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, वाओ, तो ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। ठीक, तो ये इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके साथ सेक्रीफाइसेस करते हुए, आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी जो है ना कह सकते हैं कि साथ देने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है सोच रहे हैं कि हाँ, आपको लेकर के थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है ना बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर जो है ना कहीं भी कभी भी बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इसके लिए पर्सन को लग रहा है कि जी मुझे जो है ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस की सबसे ज़्यादा कमी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को परेशानियाँ हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन जो है ना ऐसा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, चांसेस अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा उदास भी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। ये अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक, अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन के अंदर मुझे परेशानी फील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि हाँ सिचुएशन को कैसे मैं डील करूँगा, कैसे नहीं डील करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन खुद को हील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को हीलिंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना कुछ बेहतर हो सकेगा। सो ये है आज की आपकी ये रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।